Hi everyone, myself Zeeshan sir from ZTech Academy. Today we'll start a new topic that is Playfair Cipher with example. Okay? Video start करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो kindly लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है? और ये वीडियो आप एंड तक देखो, आपको पूरा टॉपिक Playfair Cipher क्लियर हो जाएगा. और इस वीडियो में हम कवर करेंगे Playfair Cipher का एनक्रिप्शन पार्ट. नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद डिक्रिप्शन पार्ट. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक इज Playfair Cipher विद एग्जांपल. Playfair Cipher स्टार्ट किया था या इन्वेंट किया था चार्ल्स व्हीटस्टोन ने. क्या नाम है? चार्ल्स व्हीटस्टोन. इन्वेंट किया था 1854 में. ओके, 1854 में. इसका नाम Playfair Cipher लॉर्ड साइफर के नाम से हुआ. किसके नाम से? लॉर्ड साइफर, जिन्होंने प्रमोट किया था यूज करने. किसको? साइफर टेक्स्ट को. ओके, जिन्होंने प्रमोट किसको किया था यूज करने? साइफर टेक्स्ट को. तो गाइस, इस अल्गोरिदम को ब्रिटिश लोगों ने यूज किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त. इवन इट वॉज यूज बाय ऑस्ट्रेलियन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, ये एक ऐसा अल्गोरिदम है जो यूज किया गया था टैक्टिक्स को डिस्कस करने के लिए इन अ सीक्रेट मैनर. समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ते. फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज फर्स्ट प्रैक्टिकल डायग्राफ सब्स्टिट्यूशन साइफर. डायग्राफ सब्स्टिट्यूशन साइफर मतलब, डायग्राफ का मतलब है दो अल्फाबेट, कोई दो अल्फाबेट से रिप्लेस होंगे या सब्स्टिट्यूट होंगे. हम एट अ टाइम दो अल्फाबेट का साइफर टेक्स्ट बनाएंगे. टू अल्फाबेट्स कैसे बनाएंगे? सब्स्टिट्यूट करके. कैसे बनाएंगे? सब्स्टिट्यूट करके. ओके, नेक्स्ट. इन Playfair Cipher वी एनक्रिप्ट अ पेयर ऑफ अल्फाबेट इंस्टेड ऑफ सिंगल अल्फाबेट. आप सीजर साइफर पढ़ोगे ना, एक अल्फाबेट का एक रिप्लेसमेंट ढूंढा जाता है एट अ टाइम. समझ में आ रहा है? Playfair में ऐसा नहीं है, हम जोड़ी में रिप्लेसमेंट ढूंढते. कैसे ढूंढते? पेयर ऑफ अल्फाबेट. वी एनक्रिप्ट अ पेयर ऑफ अल्फाबेट इंस्टेड ऑफ सिंगल अल्फाबेट. समझा पॉइंट? नेक्स्ट थिंग, एनक्रिप्शन टेक्निक. एनक्रिप्शन टेक्निक, फर्स्ट टेक्निक क्या है? फर्स्ट प्रोसेस क्या है? जनरेट अ की स्क्वायर 5x5. क्या बोल रहा है? की के बेसिस पे आपको 5x5 का मैट्रिक्स या टेबल बनाना है. चलो बनाते एग्जांपल लेके. देखिए, मेरे एग्जांपल में मेरी की है मोनार्की, MONARCHY, मोनार्की, ठीक है? प्लेनटेक्स है इंस्ट्रूमेंट जिसको मेरे को कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स में. ओके, तो क्या बोला गया इस इधर ये बोला है जनरेट द की स्क्वायर. मतलब आप प्लेन टेक्स्ट को टच भी नहीं करेंगे, आप किसके साथ खेलोगे? की के साथ, मोनार्की. चलो कैसे? क्या बोल रहा है? 5x5 का मैट्रिक्स बनाओ. मतलब 5 रोज और 5 कॉलम्स. चलो बनाते. ओके, मोनार्की में सबसे पहला चेक करो सारे यूनिक अल्फाबेट है. हमको सिर्फ यूनिक अल्फाबेट लिखना है, रिपीटेड अल्फाबेट को एक ही बार लिखेंगे. तो चलो पहले लिख देते, 5x5 है ना, 1 2 3 4 5, बराबर 1 2 3 4 5. सबसे पहला मोनार्की लिखेंगे, MONARCHY. वन मोर थिंग गाइस, 5x5 का मैट्रिक्स बना रहे, मतलब कितने अल्फाबेट ऑक्यूपाई होंगे? 25 अल्फाबेट्स. कितने अल्फाबेट ऑक्यूपाई होंगे? 25 अल्फाबेट. लेकिन इंग्लिश में तो 26 अल्फाबेट होते हैं. हाँ कि नहीं? इसमें क्या करना है, जब भी जे आएगा ना, उसको रिप्लेस करना है आई से. या तो आप ये भी बोल सकते हो, एक ही सेल में या एक ही पोजिशन में आई भी आता है और जे भी आता है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? रिप्लेस जे बाय आई, ठीक है? जे को डायरेक्टली रिप्लेस किससे किया जाएगा? आई से, ठीक है? तो मोनार्की लिख दिया हमने, बराबर की नहीं. नेक्स्ट थिंग, अभी
इंग्लिश में जो बाकी 25 अल्फाबेट है, मतलब इंग्लिश में टोटल कितने हैं, 26 अल्फाबेट है राइट, तो मोनार्की के अलावा कौन से अल्फाबेट है उसको हम आगे से सीरीज में लिखते जाएंगे। ए आया हुआ है नहीं लिखेंगे, इसमें बी है क्या मोनार्की में नहीं तो लिख देंगे बी, सी है ऑलरेडी बी, ई आया है क्या नहीं, फिर एफ जी आई, जे को नहीं लिखेंगे, के एल, एम भी है एन भी है ओ भी है राइट, पी क्यू आर है राइट, एस टी है क्या नहीं, नेक्स्ट यू वी डब्ल्यू एक्स वाई है राइट जेड, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप डन कर दिया गाइस। हमने क्या किया, सबसे पहला प्लेन टेक्स्ट को लिखा, उसके बाद प्लेन टेक्स्ट में इंग्लिश के जितने मिसिंग अल्फाबेट है उसको आगे से लिखकर मैट्रिक्स को फिल कर दिया। दैट इज कॉल्ड मेकिंग अ 5x5 की स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो स्टेप नंबर टू पे आते हैं। स्टेप नंबर टू क्या कहता है, अल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे एनक्रिप्शन का। प्लेन टेक्स्ट इज स्प्लिट इनटू पेयर्स ऑफ टू लेटर, प्लेन टेक्स्ट को आप कपल यानी पैर के पेयर्स बनाइए, कितने बनाइए पेयर्स बनाइए, क्या बनाइए पेयर्स, पेयर्स कितने का होता है, पेयर शुड बी ऑफ टू, बराबर की नहीं। इफ देयर इज ऑड नंबर ऑफ लेटर जेड इज एडेड टू द लास्ट लेटर, मतलब क्या, देखो अगर प्लेन टेक्स्ट है आपका ए क्यू आर एस पी, अगर इसकी पेयरिंग बनाऊंगा एक पेयर बनेगा ए क्यू दूसरा बनेगा आर एस, पी अकेला है ना तो उसके साथ जेड हो जाएगा, अगर इवन नंबर है तो जेड अपेंड करने की, जेड को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो जेड को आप लास्ट में ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है, चलो करते। तो अब आता है प्लेन टेक्स। प्लेन टेक्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट का पेयर्स क्या हो गया, आई एन एस टी आर यू एम ई एन टी और एस जेड, और क्या है एस जेड, समझा, क्यों, बिकॉज वो ऑड नंबर में था गाइस, इवन में नहीं। पहला रूल क्या बोल रहा है, इफ बोथ लेटर्स आर इन द सेम कॉलम टेक द लेटर बिलो ईच वन गोइंग बाय टू द टॉप इफ एट द बॉटम, क्या बोल रहा है सुनिए, अगर लेटर सेम कॉलम में हो तो उसके नीचे वाले से रिप्लेस करेंगे, मतलब अगर कुछ ऐसा होगा गाइस एम सी ई एल यू बराबर, यही है ना हमारा, आगे नहीं, क्या बोल रहा है, इफ बोथ द लेटर टेक द लेटर बिलो ईच वन है ना, अगर एम और ई है तो एम को हम रिप्लेस किससे करेंगे सी से, और ई को रिप्लेस किससे करेंगे एल से, ठीक है। अब सवाल आते हैं सर यू रहेगा तो क्या करेंगे, यू रहेगा तो हम फिर से रिवर्स स्टार्ट करेंगे एम से रिप्लेस करेंगे, ये बोलता है फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, इफ बोथ द लेटर आर द सेम रो टेक द लेटर टू द राइट ऑफ ईच वन गोइंग बैक टू द लेफ्ट मोस्ट इफ इट एट राइट मोस्ट पोजिशन, मतलब क्या, सुनो सपोज कुछ ऐसा है सी है, मेरे को बी और डी का बनाना है, बी का राइट क्या है गाइस डी, डी के राइट में कुछ है क्या, नहीं ना, तो सी लिख देंगे, क्या लिख देंगे सी, मतलब जहां राइट खत्म हो जाए तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को लिखना है, ठीक है। रूल नंबर थ्री क्या कहता है, अगर ऊपर की दोनों केस अगर सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब सेम रो में भी नहीं है साथ ही साथ सेम कॉलम में भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको यह करना है कि रेक्टेंगल बनाना है, क्या बनाना है रेक्टेंगल, जैसे गाइस अगर सपोज एन और आई है तो आपको ए और जी बना देंगे, ठीक है, अगर ए और जी है तो एन और वाई, मतलब बेसिकली हमको क्या करना है एक रेक्टेंगल कंप्लीट करना है, क्या करना है रेक्टेंगल कंप्लीट करना है, दीज आर ऑल थ्री रूल्स, ओके। चलो एक एक करते, अभी पहला अल्फाबेट क्या लेंगे, पहले कौन सा पेयर लेंगे आई एन, इंस्ट्रूमेंट का क्या लेंगे आई और एन, इसका रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे, आई किधर है गाइस, आई इधर है, आई इधर है, और नेक्स्ट वन इज व्हाट एन,
एन आपको दिख रहा है यहां पर बराबर की नहीं, आई और एन को किससे रिप्लेस करेंगे हम, आई को रिप्लेस करेंगे जी से और एन को रिप्लेस किससे करेंगे ए से। देखो ना ट्रायंगल बनेगा ना, आके नहीं आई है और एन है, इसको किससे रिप्लेस करेंगे जी और ए से। रूल नंबर थ्री, फॉर्म अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बन रहा है ना, आई है और एन है, उसको रिप्लेस किससे करें जी और ए से, तो आई के बदले जी, एन के बदले ए। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट कौन सा पेयर है, एस और टी, ये फर्स्ट पेयर था, ये सेकंड पेयर, एस और टी। एस और टी कहां पे गाइस, ये देखिए एस और टी काय में सेम रो में है। रूल नंबर विच वन, रूल नंबर टू, टेक द लेटर टू द राइट ऑफ ईच वन। एस के राइट में क्या है, एस के राइट में है टी, और टी के राइट में क्या है, कुछ भी नहीं है, लेफ्ट मोस्ट क्या है, एल, समझो। नेक्स्ट थिंग गाइस, अब कौन सा पेयर लेंगे, आर और यू, कौन सा पेयर लेंगे, आर और यू, आर इधर है और यू इधर है, रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या यूज होगा, एम और जेड, तो कैरम के चार पॉकेट दिख रहे हैं ना हमको, एम और जेड, तो आर के बदले क्या जाएगा, आर के बदले जाएगा एम, यू के बदले क्या जाएगा जेड, समझा। नेक्स्ट थिंग फोर्थ वन, एम और ई, तो यहां पे कौन सा रूल अप्लाई किया था, ट्रायंगल का रूल नंबर थ्री, रेक्टेंगल सॉरी, रूल नंबर थ्री, यहां पे कौन सा रूल अप्लाई किया था, एस और टी वाला रूल नंबर टू, फर्स्ट वाले पे आई और एन रूल नंबर थ्री, एम और ई काय में गाइस, एम और ई सेम कॉलम में है ना, वर्टिकल इज कॉलम राइट, हॉरिजॉन्टल इज रो, एम और ई अगर सेम कॉलम में, टेक द लेटर बिलो ईच वन, ओके, एम के बिलो कौन सा है सी, ई के बिलो कौन सा है एल, ओके, रूल नंबर वन। फिफ्थ वन, एन और टी, नेक्स्ट वन इज व्हाट, एन और टी, एन कहां पे गाइस, एन और टी देखना है राइट, टी यहां पर मिला हमको, एन यहां पर है, अब देखिए ये n इधर है t यहां पर है, तो इसका रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, r और q, तो n के बदले रिप्लेस क्या होगा r और t के बदले क्या होगा q, रूल नंबर थ्री, फॉर्म अ रेक्टेंगल। सिक्स पेयर, s और z, ओके, z यहां पर है और s यहां पर है, तो s और z, तो t और x बराबर, तो S के लिए T और Z के लिए क्या जाएगा X, रूल नंबर थ्री, ओके। तो गाइस ये थ्री रूल के बेसिस में हमने परफॉर्म किया प्ले फेयर एनक्रिप्शन। सो योर फाइनल साइफर टेक्स्ट इज व्हाट, जी ए टी एल एम जेड सी एल आर क्यू टी एक्स, ओके, प्लीज कॉपी, टॉपिक डन।